एक तिहाई श्लोक है यानी 233 जो एक श्लोक के अनुसार आसन बना लेने पर आत्मा को उद्धार हो सके। जब दूसरे श्लोका से कोई संबंध नहीं केवल एक ही श्लोक के धारण करने से बुरा पार हो जाए, ऐसे ऐसे श्लोक हैं। और उन श्लोकों के वहां जो आपको कमजोर मालूम दे उसी के अनुसार आप साधन कर सकते हैं, उससे आपने बुरा पार है। इसके लिए भगवान ने उस श्लोकों के साथ के वहां वायदो करे हुए साफ बात या कही है कि उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कहीं यह बात कहीं मेरी प्राप्ति हो जाती है, कहीं निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं कहीं परम गति की, कहीं परम धाम की, मतलब एक ही। जैसे मेरी ध्यान का अंतिम श्लोक है कि मन मना हो मद भगतो और मदिया जी मान नमस्कुरु और मामे वैसे युगते महात्मा नंग मत परायण है। इसको अभिप्राय जो है कि लोग को भाव कि मन मना भर तुम मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मद मद भक्तो भव तुम मेरा भक्त बन जा, मद याजी तुम मेरी पूजा कर, मांग नमस्कार तो मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मन को मुझ में लगा करके तू मेरी शरण हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में चार बात कही, चार एक प्रकार से उपदेश की बात, साधनी की बात, चार बात कही। एक तो यह कि मन मना भर तू मेरे में मन को लगा दे, दूसरी यह बात कही कि तू मेरे भक्त बन जा, तीसरी यह बात कही कि तू मेरी पूजा कर, चौथी यह बात कही तू मेरे को नमस्कार कर। तो ये जो चार जो बात है ये भगवान की शरण को स्वरूप है। एवं मत्परायण भगवान कहते इस प्रकार से तू मेरी शरण हुआ तू मेरे को प्राप्त होगा, इस प्रकार से तू मेरी शरण हो। तो ये प्रकार बतलाया शरण का, ये उन सब जैसे प्रकार अर्थ में है तो शरण को स्वरूप बतलाया। क्यों बतलाया कि पर हम शरण को फल भगवान ने बतलाया तो इस वास्ते शरण किसको नाम है इस जानने की इच्छा होने की संभावना होने पर भगवान शरण को स्वरूप बतलाया। 32 के श्लोक के माँ ये नौवीं अध्याय का 34 का श्लोक है और नौवीं अध्याय के 32 के श्लोक में भगवान कहते हैं मान विकार प्रांगति हे पार्थ मेरी शरण होकर के चाहे कोई स्त्री होते पुरुष हो चाहे माने पुरुषों के मां चाहे बैस हो चाहे शुभ्र हो और उससे भी नीची योनि वाले पाप योनि भी क्यों नहीं हो। शास्त्रों में चंडाल आदि को पाप योनि में गणना की है। तो भगवान का यहाँ यह कहना है कि ऐसे जो अछूत जाति चंडाल आदि है वे भी मेरी भक्ति के प्रभाव से यानी या जो मेरी शरणागति है शरणागति भक्ति है तो इस प्रकार से मेरी शरण हुआ जो है पुरुष है परम गति को प्राप्त हो जाता है। तेतियांति परम गति ये भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तुम हो जाएगा इसमें तो कहना ही क्या है। और जो उत्तम जाति वाले ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वे हो जाए इसमें कहना ही क्या है। नहीं ऐसे जो जाति से जो नीच है योनि से नीच है माने स्त्रियां को योनि से नीच बतलाई है और ये जाति से नीच बतलाए हैं तो उन सब का भी उद्धार हो सके है।
खाली मेरी शरण होने से शूद्रों में संजय और विदुर जी ये शूद्र जाति के वहां हुए और इनका कल्याण होगा और पापियों के बीच में गुह आदि जो है और सबरी बेहनी भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनका भी उद्धार हो गया। बैसों के बीच के माँ तुलाधर वैस है, सिद्धि वैस है, नंद भद्र वैस है, ऐसे वैस जाति वालों का उद्धार हो गया। और अस्त्रियों के बीच के वहां तो कहना क्या की सरजो की अस्त्री जाति के वहां तो गौतम की कथा है, वर्तमान में भी मीरा बहन की कथा है और शास्त्रों में पूर्व के जमाने में गार्गी है, मैत्री है और बहुत सी स्त्रियां भगवान की भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गई। स्वागन स्त्रियां भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से द्रौपदी विदुर के स्त्री और गोपियों की तो बात ही क्या है, ऋषि पत्नियां कोई उद्धार हो गयो। तो भगवान की शरण लेने से अस्त्री वही शूद्र और पाप योनि वाले कंगारा दिकों की भी परम गति बताई, इससे ये जानने की इच्छा हुई कि ईश्वर की शरण का स्वरूप क्या है। तब ये स्वरूप बतरा कि मन मनाव मद भक्तो मदिया जी मांगनु शुरू। तो ये अब जानने की इच्छा होती है कि चार बात इसके वहां बतराई कि चारों को धारण करने से ही मुक्ति होती है कि चारों में एक या दो को धारण करने से भी, बोलो एक या दो को धारण करने से भी मुक्ति हो जाती है, परम गति की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और चारों को धारण करने से हो जाए इसमें से कहना क्या है। तो चार बात है कि मन मना भर तू केवल मेरे में मन को लगा ले। तो अब ये जानने की इच्छा हो जाती है कि केवल भगवान के मां मन लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जा रही, भगवान को चिंतन करने से स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति हो जा रही, तो फिर और तीन साधना की आवश्यकता ही क्या है। बोले जैसे कोई एक होज है और उसके चार नाड़ा है ऊपर से जल भरने के लिए, तो एक नाड़ खोल देने से होज भर जाती है, तो एक नाड़ खोलने से होज चार घंटा में भरती है, तो चारों नाड़ा खोल देने से एक घंटा में भर जाए, दो नाड़ खोलने से दो घंटा में भर जाए, तो भर तो जाती है एक नाड़ से ही किंतु समय अधिक लगता है। तो केवल भगवान के मामल लगाने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गीता की आठवीं जाके 14 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन चेता सततं योमांग समृति नित्य सुल पार्थ है नित्य युग तस् योगी न। हे पार्थ, अनन चित हुआ पुरुष जो नित्य निरंतर मेरे स्वरूप का श्रवण करता है यानी मेरा श्रवण करता है, उस पुरुष के लिए मैं सुलभ हूं, उसे योगी के लिए उस साधक के लिए मैं सुलभ हूं। तो बोले ये आठवीं अध्याय के 14 के श्लोक में कहा और ये प्रकरण 9वीं अध्याय का है, वो 9वीं अध्याय का प्रमाण आप बतलाओ कि केवल भगवान के चिंतन से या ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो 9वीं अध्याय के मां भी बतला है, 9वीं अध्याय का 22 का श्लोक देखो, उन्होंने कहा कि 22 के श्लोक में कहा कि अनन्यास्यंतो मां ये जना परिउपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। ये जना जे माने जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ ध्यान करता हुआ जो मेरी उत्तम दर्जे की उपासना करता है माने निष्काम भाव से मुझको मेरा ध्यान करता है जो उपासना करता है उसका मैं योगक्षेम बहन करता हूं। भवानी जो है बहन करना कि जैसे समझो कि
कुल्ली जो है सो बोझा बहन करता है, पशु जो है सो भार ढोता है। तो इसे ढोने के अर्थ में, बहन करने के अर्थ में यह क्रिया है। भगवान का यह कहना है कि इस प्रकार से जो मेरा चिंतन जो करते हैं उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। एक लौकिक योगक्षेम है, एक समझो कि पारमार्थिक है। लौकिक योगक्षेम तो यह है कि उसका खान पान और ये सब मैं चलाता हूँ। जैसे एक आपने परिपाटी है स्वाभाविक की, उसका आपका योगक्षेम ठीक चलता है, उत्तर देता है कि हाँ ठीक चलता है, मतलब आपका जीविका का काम ठीक है ना। तो योगक्षेम ये एक रूढ़ी है, जीविका चलने को योगक्षेम कहते हैं लोक में। तो परमार्थ की दृष्टि यह है कि योग मन अप्राप्ति की प्राप्ति, क्षेम मन प्राप्ति की रक्षा। तो मेरे मार्ग में जहां तक वो प्राप्त हो गया है, यानी मेरे मार्ग में जहां तक वो चल चुका है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, उसको तो मैं नष्ट नहीं होने देता। और जो प्राप्ति नहीं हुई है, कमी है, उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कर देता हूँ। यानी जो साधक है मेरी प्राप्ति के मार्ग में चलता है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, कि किसी प्रकार से उसका किया हुआ जो है सो कायम रखता हूँ। और जब मैं कमी उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, इस प्रकार से मैं उसको मदद करता हूँ। तो केवल एक प्रकार से भगवान के स्वरूप को ध्यान करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और यहाँ क्या, ये बात जगह जगह शास्त्रों के बीच के वहां, गीता के बीच के वहां भी, कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनात्मना ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर मनुष्य ध्यान द्वारा बुद्धि से अनुभव करता है। परमात्मा के ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति है, यह बात संसार में प्रसिद्ध भी है। तो ये जो गीता की 9:22 का श्लोक है कि अनन्यास यंतो मां यजना परिपासते और तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेम वहामि हम। अब एक कहानी भी है, वह कहानी इस प्रकार से है कि एक कोई ब्राह्मण थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण। पर ब्राह्मण के मन जो संतोष है वो एक प्रकार से गौरव है, पर प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी वो निवृत्ति मार्ग वाला था, माने गृहस्थाश्रम में रहता हूं अभी। वह कुछ बड़ा त्यागी था। वे चार भाई थे, थोड़ी बहुत उनके पास संपत्ति भी थी। तो ये जो भगवान का भगत है, ये हर वक्त भगवान के नाम का जप किया करता था, गीता का पाठ करता था। इसके ये विश्वास था कि इस प्रकार से नित्य निरंतर जो भगवान को याद करता है, भगवान उसका उद्धार कर देते। तो नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना और गीता का पाठ करना, ये इसका काम था। ये प्रातःकाल जंगल में यानी वन में चला जाता था। वन में एक तालाब था, उस तालाब के ऊपर शौच स्नान करके के संध्या गायत्री करके ब्राह्मण थे ही एकांत के बीच के वहां भगवान के भजन ध्यान के वहां लग जाता था। और एक अध्याय गीता का, माने एक थोड़ा अध्याय का गीता का पाठ करेंगे। प्रातःकाल ये भोर में 4 बजे उठ करके के वहां तालाब पर जाता और लौट करके 11-12 बजे घर पर लौट कर वापिस आता। 8 घंटा वहां ही रहता, आधा घंटा स्वस्थान करता, आधा घंटा रास्ते में जाना लग जाता और 7 घंटा अपने खूब तेजी के साथ साधन करता। फिर आकर के भोजन कर करके और फिर वापिस चला जाता। 12 बजे आता घर पर और 1 बजे फिर वापिस चला जाता।
फिर रात को 8 बजे आकर आकर के भोजन करके अपने स्त्री से सत्संग विषय की ध्यातम विषय की भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात करके और सो जाया करते रात की 10 बजे सो जा 10 बजे सोना और 4 बजे उठना 6 घंटा सो। इस प्रकार से इसकी जीवनी चलती थी। भाइयों ने कहा कि भाई साहब हम लोग सब करते हैं काम करते हैं तो आप भी कराया करें। तो उनके प्रति ऐसी लोग कहा कि अन्यासम तो मांग ये जना पर उपास और तेसांग नित्यांग योग से हम बहा नहीं। भैया गीता की 9 अध्याय 22 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ ध्यान करता हुआ जो मेरी भक्ति करता है जिस काम भाव से मेरी भक्ति करता है या समझो कि श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है तो उसका मैं योग क्षेम ग्रहण करता हूं। तो भगवान लौकिक योग क्षेम भी करते हैं पारमार्थिक योग क्षेम भी करते हैं। तो खान पान इत्यादि का सब भगवान को चिंता है जिसका नाम विश्वम्भर है तो अपने को उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। भाइयों ने जवाब दिया कि हम लोग कमा कर जाते हैं और आप मोज करते हैं तब आप इस प्रकार का सिद्धांत बना लिया। यदि आपको रोजगार करके खाना पड़े तो आपको मालूम हो जाए आप अलग हो जाइए। उसने कहा अभी तुम्हारी मर्जी जैसे तुम लोगों की इच्छा वैसा करो। तो सभी भाई पृथक पृथक हो गए। गरीब या कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे साधारण आदमी से मामूली पूंजी थी और 4 विभाग में करने से और मामूली मामूली पांती आई छोटा सा एक घर पांती आया और कछु गहना कछु बर्तन कछु कपड़े कछु निगद रूपये हिंसे अनुसार ये सब आए और ब्रिटेश्वरी ब्राह्मण थे इस वास्ते वृत्त बांट ली यजमानों को बांट दिया। उसको जो दे दिया बस ठीक है संतोषी था ही। उसकी स्त्री है वो भी पति पड़ता बड़ी उस कोटि की अपने स्त्री से कहा कि अपने किस से मांगना तो है ही नहीं कि भगवान कहते मैं योग से बहन करता हूं तो देखें क्यों भगवान जो कहते हैं वो तो ठीक है और कोई अपने देने भी आवे तो भी नहीं देना है अपने तो भगवान से ही लेना है दूसरे मनुष्य से नहीं लेना। अपने जो जजमान है और वे भी किसी भेजे अपने घर के ऊपर तो नहीं रखना अपने तो किसे देना ही नहीं। बोले ठीक है घर के वहां रहने लगे। थोड़ा दिन के बाद उस अस्त्री ने कहा कि महाराज जो रुपये निकाय थे वो तो सब खत्म हो गए अब हमने कैसे काम चलाना है। बोले तुम्हारा जो आभूषण है तुम्हारे जो गहने उसको भी काम चलाओ। बोले बहुत अच्छी बात गहना भी मामूली था बेच कुछ दिन काम चलाया गया। फिर उसने कहा कि आभूषणों को बिक्री करके जो रुपये मिले थे वो भी खत्म हो गए। तो बोले ये जो कुटिया मिली है इसको बेच अपने भाड़े पर हो। तो वो घर भाड़े ले लिया और मामूली जो घर मिला था उसको बेच उसका रुपया कर लिया उन रुपये से कितना दिन काम चला वह भी खत्म हुए। यदि मनुष्य रोजगार नहीं करे तो कहावत है कि धन के कुएं भरे हुए खाली हो जाते। इसने कहा महाराज तो अभी सब खत्म हो गए तो क्या है। बोले थोड़े कपड़े हैं और थोड़े बर्तन है बोले इसको भी बेच दो वही बेच दिए। आस पास रहने वालों से अपने बर्तन लेकर के रसोई बना दी वो पैसे भी सब खत्म हुए। तो उसने कहा कि महाराज जो कुछ भी नहीं है प्रातः काल उठ करके पंडित जी वहां जाने लगे गीता पाठ और जप ध्यान करने के लिए। तो श्री ने कह दिया महाराज आज अपने घर में कुछ भी नहीं है आप जो एक धोती पहने हुए हो और एक धोती और जो आप ओढ़ कर जाते हो ये 2 ही धोती है बस आपके लिए
अदृश्य है। और इसी प्रकार मेरे लिए एक साड़ी जो पहनती हूँ, एक साड़ी बदलती हूँ, दो ही साड़ी मेरे लिए, और सब कपड़ा बेच दिया, सब बर्तन बेच दिए, अपने घर में जो बर्तन है ये तो पारी के यहाँ से लाकर रसोई बनाई है, आज पनकल की रसोई बनाएगी, और घर तो भाड़े है, भाड़े वाले को आज तक रुपया भी चुका दिया, पर आज आप 12 बजे जो आवेंगे भोजन के लिए, तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, आज तो जल फिक्री रहने और क्या है। बोले बहुत अच्छी बात, वहां गए जाकर स्नान किया, तो स्नान करके संध्या गायत्री करके गीता का पाठ किया, पाठ करते ये शुरू हो गया, अनन्यास्यं तो मां वेदना परिउपासते तेषां नित्यभूतानां योगक्षेम वाम। उसने विचार कहा कि ये श्लोक तो भगवान का ही, ये भगवान का लिखा हुआ होता तो भगवान के वचन तो मिथ्या नहीं होने चाहिए। तो आगे अपने आसन के मां अड़ताल को रखा करता था श्लोक को सुधारने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जितना उसे अशुद्ध होता काट दिया। तो वो अड़ताल जो है, पीढ़ी पीढ़ी जो अड़ताल होती है, वो अड़ताल उस श्लोक पर फिर, मतलब इस श्लोक को नहीं पढ़ना, ये भगवान का निक्षेपक है, इसको बाद देकर के गीता का पाठ करना। तो उसको बाद देकर गीता का पाठ करने लगे, भगवान की भी वहां आंखें खुली, भगवान ने सोचा तो तेरे ऊपर तो हड़ताल लगने लगी, चलो। तो भगवान एक युवा स्वरूप धारण करके, 16 वर्ष के लड़के का स्वरूप धारण करके, बड़ा ही सुंदर, बड़ी मधुर वाणी रूप और लावण को देख करके पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं, मनुष्यों की बात क्या है। ऐसा सुंदर रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर और मिठाई की थाली भर करके लेकर वहां आए उसके घर के ऊपर। घर पर उसकी स्त्री थी, 11 बजे थे, तो जाकर के वो रखा, गुरु जी कर गए। बोले गुरु जी तो वहां तरह पर शोक स्नान करने के लिए गए हैं, किंतु आप गुरु कैसे कहते हो, हमारे पति तो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं। हाँ बोले ये बात ठीक है, पर किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, किंतु मुझ को तो बना चुके, मैं भी ये जानता हूं कि वे नहीं बनाते। तो बोले मेरी उनसे बात है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे को शिष्य है ही नहीं, कभी बना ही नहीं और बनाऊंगा भी नहीं। बोले आपसे बात तो वो भी ठीक है, मैं जो कहता हूँ ये भी ठीक है, मैं तो खुद उनका शिष्य हुई, तो मुझको तो बना लिया सो बना ही दिया, और अब नहीं बनाते, तो एक भी नहीं बनाया। बोले मैं बैठे हूँ ना तुम्हारे आपके सामने, मुझको बनाया कितनी देर ना हुई। बोले अभी एक घंटा बाद 12 बजे आते। अच्छा, ये मिठाई की थाली रखे, लाडू पेड़ा बर्फी सब चीज उसके वहां, और सिलूना भी सब, और भी सब पकवान। बोला बुद्ध को तो हुक्म नहीं दे रहेगा, जब गुरु जी आवे तभी आप जाओ। बोले नहीं नहीं आप रखो, आपको कोई गुरु जी उपालम नहीं देंगे, आप कह देना कि आपका शिष्य रख गया है। बोला मुझको हुक्म नहीं, मैं नहीं रख सकता। बोले आप रखो, मैं गुरु जी से मिल लूंगा, इसके लिए आपको कोई गुरु जी उपालम नहीं देंगे, मैं आप बातचीत कर लूंगा गुरु जी से, एक बार रहिए, और मेरे जरूरी काम है, मैं फिर जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर के जबरन भगवान चलने लगे। तो उसने कहा कि आप ये तो बता दो आपका नाम क्या है, तो महाराज करने से तो आपके घर पर वापिस ये चीज भेज दी जाए। बोले मेरा नाम को गुरु जी जानते, उनके एक ही शिष्य है, तो कह देना आपका शिष्य आया था, तो कह दूंगी, आपका नाम तो बतलाइए। बोले नाम बताने की जरूरत नहीं, जब गुरु जी मुझको जानते ही हैं, आप इतना ही प्रत्यय दे देना कि आज प्रातःकाल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल लगाई थी वही आज, तो आज प्रातःकाल हड़ताल लगाई थी बार उठा भूल जाओ। यूं कहकर भगवान भाग गए। उसकी उसकी समझ रही कि भगवान है, जाने के बाद ही उसके पति देव आए, उन्होंने मिठाई की थाली भरी देखी। बोले ये मिठाई की थाली कहाँ से आई,
और हमारे मना करने पर आपने कैसे ली? बोले हमारे ली नहीं है, एक कोई लड़का सा था वो छोड़ करके भाग गया और वो कहता था कि मैं उनका शिष्य हूँ। बोले तू तो जानते है मैंने तो किसको शिष्य बनाया नहीं। बोले ये तो मैं जानती हूँ कि आपने बनाया नहीं, किंतु वो कहता है मुझको एक को बना लिया, अब तो नहीं बनाते किंतु मुझको तो बना चुके। तो नहीं नहीं ये सब झूठ बात है, मैं तो किसी को बनाए नहीं। वो कूढ़ा कहाँ गया? बोले महाराज वो नाव नहीं बदल रहा। तो बोले ये मिठाई की थाली वापस कहाँ लौटाई जाएगी? बोले बहुत पूछ रहे उसने ये बात की कि मैं फिर आऊंगा तो खुद आएगा, क्योंकि उसने अपना परिचय तो दिया होगा। हमने इतना ही परिचय दिया है कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर आप अरसान लगाई थी वही था, बस इतना ही कह देगा ये परिचय दिया है। तो आज प्रातःकाल आप किसके मुंह पर अड़ताल लगाई? मैं तो आज अड़ताल गीता के श्लोक पर लगाई थी। तो गीता का श्लोक भगवान, ताकि सारे श्लोक भगवान के मुख से निकले, इसलिए भगवान के मुख की हड़ताल लगी। अब तो ज्ञान आया, सचेत हुआ। बोले वो तो साक्षात भगवान थे, तेरा वो भाग्य जो तुझको भगवान के दस मरे, और मैं भाग्य ठोकू माने निर्भाग्य हूँ मुझको दर्शन नहीं हुई, तो साक्षात भगवान ही थे। और बोले और एक घोड़ा लाए हैं, वो घोड़े के ऊपर जाकर देखा उसकी गुण के माँ लाखों रुपयों के रतन भरे पड़े। अब और भी निश्चय हो गया कि इतने रतन भगवान के बिना कौन लावे? घोड़े पर से तो बोझा उतारो, घोड़े का बोझा।